सो हेलो गाइस, आज हम यार थ्रीसम जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो कर देते हैं इसको स्टार्ट जल्दी से। थ्रीसम जीरो निकालना है तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि तीन एलिमेंट चूज करने होंगे जिनका सम जीरो है ना। बाकी देख लेते हैं। तो अपने को ठीक है वही है कि तीन एलिमेंट्स निकालने हैं और यूनिक ट्रिपलेट्स चाहिए यहाँ पे। ठीक है, थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स पहली बात, ठीक है, और यूनिक ट्रिपलेट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और अपने क्या करना है, मस्ट बी नॉन डिसेंडिंग, सोल्यूशन मस्ट कंटेन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट। ठीक है, ये बात हमने देख ली थी। तो हाँ ठीक है, -101। अच्छा ये देख लो एक बार, जैसे एक अपना -101 है, एक ये वाला 01 और एक -1, दो बन रहे थे बट इसने यहाँ पे एक को ही चूज किया है। ठीक है, अच्छा, और मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को आंसर देना है। ठीक है, कि जैसे देख रहे हो ना आप, ये छोटा है, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो ठीक है, ये अपने को कुछ ऐसे आंसर देने का है। ठीक है, समझ में आती है बात। तो यार अब इसकी वही यार ब्रूट फोर्स अप्रोच की बारे बात करते हैं, बस स्टार्टिंग से इसका सोल्यूशन देखते हैं ना। ठीक है, तो -101, 2-1, 4। ठीक है, तो -101, 2-1 और -4। ठीक है, ये था ना। तो यार वही ब्रूट फोर्स अप्रोच अपनी सिंपल है। फॉर आई इक्वल टू 0 से n, जे आई +1 से n और के आई +2 से n, जो भी मेरे को सम इक्वल टू 0 दे रहा है उसको मैं कंसीडर कर लूंगा एज वन ऑफ द ऑप्शन इन टू माई आंसर। ठीक है, और अपने क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग में देना है तो मैं उसी हिसाब से उसको डाल दूंगा। अच्छा, क्योंकि मेरे को यूनिक निकालना है तो मैं यूनिक निकालने का क्या तरीका निकालूं यार? कुछ नहीं, आसान है। मतलब हमने एक सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, हम सेट के अंदर सारे वेक्टर्स को डाल देंगे, है ना, और फिर उसके बाद फिर वो यूनिक ही होंगे मेरे पास, क्योंकि जो सेट है वो ऑटोमेटिकली यूनिक वैल्यूज को कंसीडर करता है और जो रिपीट होती है उनको नहीं लेता, है ना। तो ये सीन है अभी तक हमारे पास, है ना। तो हम सेट में डाल देंगे इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ कोर्स, और फिर उसको फाइनली एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना था ना अपने को, क्योंकि अपने को वो चाहिए। हाँ, वेक्टर ऑफ वेक्टर है तो ये अपने को रिटर्न कराना है। तो अगर अब अपने को जैसे ये रिटर्न कराना है तो इसको फाइन बाद में फिर वेक्टर में भर के और फिर रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये अपनी अप्रोच बनती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n³ इसकी, और हर बार सेट में डालने की और उसकी log n। ठीक है, तो n³ log n कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ये बनती है। ठीक है जी, तो और स्पेस अपना लग गया है कितना, स्पेस अपना लगभग आप लगा लो जितने टोटल बेसिकली सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं उतना स्पेस लगेगा। अच्छा, सबसेट्स कितने बन सकते हैं ये भी देख लेते हैं भाई, कि उतना स्पेस तो देखो लगेगा ही लगेगा। अगर मान लो सारे यूनिक होते हैं, रिपीटिंग नहीं होता, और मान लो सारे मेरे आंसर को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कितने बना सकता हूँ मैं? अगर मैं 1 2 3 4 5 की बात करूं तो अगर मैं 1 2 को फिक्स करता हूं तो मैं n-2 बना सकता हूं, फिर 1 3 को फिक्स करता हूं n-3 बना सकता हूं, n-4 बना सकता हूं, फिर 1 3 को अगर फिक्स करता हूं n-3 n-4 बना सकता हूं, 1 4 को फिक्स करता हूं n-4 बना सकता हूं, और फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर 2 3 को फिक्स करता हूँ n-2 3 बना सकता हूँ, n-4 बना सकता हूँ, फिर सिमिलरली n-4 बना सकता हूँ, और फिर 3 4 को फिक्स करके एक और n-4। तो कुल मिला के आप देख रहे हो तो ये समथिंग सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बन रहा है, उससे भी ज्यादा एक्चुअली, उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 n आ रहा है, और कितनी बार 2 टाइम्स n-2 रिपीट हो रहा है, नहीं एक बार n-2 एक बार, 2 टाइम्स 3 टाइम्स n-3 रिपीट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हो तो मोर देन n² कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात करूं तो n(n+1/2) होता है, तो उससे ज्यादा ही है। तो मतलब उससे ज्यादा मोर देन ऑर्डर ऑफ n² स्पेस है मेरे पास, तो मैं अभी के लिए ऑर्डर ऑफ n² ही मान लेता हूँ इसको। ठीक है जी, तो इतना स्पेस है और कॉम्प्लेक्सिटी n³ log n है। अच्छा, तो सबसे पहले तो अपन कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, अपना कुछ थोड़ा सा कम करके लाते हैं। तो वो यार वही जो हम स्टार्टिंग से अभी तक करते आ रहे हैं, 3 4 में हमने कर चुके हैं क्या अपना वो वाला स्टैंडर्ड तरीका, क्या कि हम पहले सॉर्ट कर देंगे वैल्यूज को। ये थी ना, ठीक है ये थी। अब इसको अपने को सॉर्ट करना है। सबसे पहले सॉर्ट करके क्या होता है, अपने को एक फैक्टर, एक वो फॉर लूप हट जाता है। हमने कई बार देख लिया ये चीज कि ये जो ये वाला फॉर लूप है ना यार, ये दो फॉर लूप ये एक में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉर्ट करते ही। क्यों? क्योंकि मेरे पास चॉइस हो जाती है कि मैं घटा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं। ये हम कई बार देख चुके हैं ना पिछले 2 क्वेश्चंस में भी। तो -4 -1 -1 0 1 2, ठीक है, एक पॉइंटर को यहां रखता हूं, एक को यहां और एक को यहां, इस पे लूप चलता रहेगा, ये अपना आई है, और इस पे अपन एक लूप कर देंगे जो जे के लिए मैंने अलग अलग लगाया था,
अब उसके लिए मेरे पास एक लूप में काम हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा, सम अगर इक्वल टू जीरो है कंसीडर कर लो, सेट में डाल दो, सम अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सम को घटाना है ना। ये गेन वही आ जाती है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि चॉइस है हमारे पास कि अपने को पॉइंटर्स को कैसे खिलाना है, कैसे पॉइंटर के साथ खेलना है, सच दैट कि अगर मैं एक जगह से पॉइंटर को हिलाऊं तो वैल्यू कम हो जाए, एक दूसरी जगह से पॉइंटर को हिलाऊं तो वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर सम ग्रेटर देन जीरो है, सम को कम करना है, के को घटा दो, आपका सम कम हो जाएगा, के को लेस देन कर दो। सम अगर लेस देन जीरो है, सम को बढ़ाना है, ओ ये भी कर सकते हैं हम। तो टारगेट मेरा जीरो है क्योंकि मेरे को इक्वल टू जीरो चाहिए, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर और हम सेट से इसको इजीली कर सकते हैं, है ना। तो सेट पे एक बार कोड कर लेते हैं, फिर अपन एक काम करेंगे, सेट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो अपन ट्राई करेंगे, वो भी एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। बट अपन पहले एक बार सेट से एक बार इसको कोशिश करते हैं सबमिट करने की, हो जाता तो बढ़िया, नहीं तो अपने पास वो तरीका तो है ही, वो मैं आपको फिर बताऊंगा, है ना। पहले एक बार इसको कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बातें ना हो और कुछ कोड हो जाए। बिल्कुल, तो आ जाओ यार, एक सबसे पहले तो एक वेक्टर हो, वेक्टर इंट आंसर बना दे, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना, उसी के अंदर थोड़ा वो चेंज करना होगा और अपना वो भी इजीली हो जाएगा, स्पेस अगर रिमूव करना है तो, ठीक है। तो फॉर इंट मैं एक ये पहले रख लेता हूँ क्योंकि मेरे को हर बार के को साइन करना होगा, है ना, ठीक है। फॉर जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस और प्रिंट जे इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू, है ना, के इक्वल टू लास्ट वैल्यू, और जब तक जे लेस देन के है ना, जब तक मेरे को इसको चलाने का। अच्छा एक सम ले लेता हूँ, एआरआर आई प्लस एआरआर जे प्लस एआरआर के, ठीक है। एक तो साले कॉन्स्टेंट नहीं देते, पिछली बार भी अपना यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग के चक्कर में फंसा था, ठीक है, तो मैं इसको पहले लॉन्ग लॉन्ग रख रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। और क्योंकि ये इंटीजर है तो सेट को और इस सबको लॉन्ग लॉन्ग रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ सम बाहर हो सकता है, पता नहीं यार ये इनको देने चाहिए मुझे टेस्ट, किसी गलत बात है, ठीक है, बट कोई नहीं, अपन अपनी सेफ्टी के लिए तो रख ही लेते हैं, ठीक है। अगर सम जीरो होता है सेट में डाल दो, सेट में क्या डाल दो, ए आर आर आई को डाल दो, ए आर आर जे को डाल दो, ए आर आर के को डाल दो। अब अगर दोबारा ए आर आर आई जे के आएगा तो ये उसी जगह पे इंसर्ट कर देगा या बोल देगा कि है ऐसा, ठीक है। और अब जे को एक आगे बढ़ा दो क्योंकि ये वाली वैल्यू ले लिया, के को एक पीछे कर दो, ठीक है जी। और एल्स अगर सम बड़ा है तो क्या करना है, के को घटाना है, और अगर सम छोटा है तो के को बढ़ा दो, सम अपने आप बढ़ जाएगा, और रिटर्न करना आंसर को, बट आंसर में भरा तो नहीं पहले, तो एक काम करो भर दो ना, फॉर ऑटो आई टी इन एस। अच्छा और आपको यहाँ पे वो दिक्कत लेने की भी जरूरत नहीं है कि यार सॉर्टेड ऑर्डर में आए, आई जे के मेरे अपने आप सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े होंगे क्योंकि आई सबसे छोटा है, फिर जे उससे बड़ा है, के उससे बड़ा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया है ना, है ना। तो अगर ये हो गया तो अब मैं आंसर में पुश बैक कर सकता हूँ आई टी को, क्यों, क्योंकि आई टी ऑलरेडी मेरा एक वेक्टर है, तो मैं डायरेक्टली क्योंकि मैंने आंसर वेक्टर वेक्टर का बनाया था, तो अब इसको ज़रा टेस्ट करके देख लेते हैं, है ना। तो वैसे तो ये सीन था, अगर आप इसको देखो तो कुछ इशू कर दिया मैंने, क्या काफ़ी सारी वैल्यूज कंसीडर नहीं हुई हैं, क्या सॉर्ट नहीं करा, सॉर्ट करना रह गया यार, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी और मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है तो सॉर्ट कर देते हैं पहले, और अब देखते हैं एक बार कुछ इशू आएगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे। वैसे तो मेमोरी लिमिट एक्सीड आना चाहिए अगर सेट से कर रहे हो तो, क्योंकि मोर देन एन स्पेयर स्पेस आप यूटिलाइज कर रहे होगे ऑन दी वर्स्ट केस, ठीक है। बाकी ये कहाँ इशू फंस गया, तो छोटा सा टेस्ट केस है माइनस, अच्छा समझ गया, एक्चुअली क्या हुआ है मेरे को थोड़ा थोड़ा इशू यही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने ये इंटीजर करे हैं और स्टोर इसको लॉन्ग लॉन्ग में कराया है, तो ये क्या कर रहा होगा, इसका जब सम ले रहा होगा तो इसको जब ऐड करेगा तो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा वैल्यू, अच्छा मतलब मान लो अगर इसने इसको पहले ऐड किया, जैसे ऑपरेशन कुछ ऐसे हो रहा होगा, पहले इसको ऐड किया, अब वो इंटीजर रेंज से ऑलरेडी बाहर हो गया, कुछ रैंडम वैल्यू आ गई होगी, है ना, कुछ जीरो आ गया होगा लेट से, और फिर उसने उसमें जीरो ऐड किया तो वो जीरो हो गया, तो ठीक है इसको अपन पहले ही लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, टाइपकास्ट कर देते हैं। टाइपकास्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ मतलब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, ठीक है। वन एल एल, अब इसको जरा एक बार इसी टेस्ट केस पे चला के देख लेते हैं, अपना आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है डेफिनेटली, है ना,
बढ़िया सही आ गया ना। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। मेमोरी लिमिट इज एक्सीडेड आना चाहिए वैसे तो, बट देखते हैं। सबमिट हो गया ठीक है यार, मतलब पर अपन इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, अपन बिना मेमोरी के करेंगे। ये सबमिट हो गया कोई बात नहीं, बट अपन इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अच्छा ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, आओ जरा इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे होंगे यार, मतलब अपने को बेसिकली सेम वैल्यूज को ही तो रिमूव करना है ना यहाँ से, सेम वैल्यूज को तो रिमूव करना है यहाँ से। तो अगर सेम वैल्यूज को रिमूव करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब जब भी मेरे को सेम वैल्यूज मिल जा रही हो तो वहां पे उनको मैं स्किप कर दूं, स्किप कर दूं, है ना। और एक चीज मेरी बात याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूं, जिस चीज को, इस पर मैं बाद में आऊंगा, जिस चीज को कंसीडर कर लिया उसे एलिमिनेट करो, उसे एलिमिनेट करो ठीक है, ना कि एलिमिनेट करो फिर कंसीडर करो, ये मत करना। इस पे मैं बाद में आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम्हें मतलब मैंने तो ये गलती करी थी यार स्टार्टिंग में, मतलब बहुत परेशान हुआ था। एलिमिनेट करो फिर कंसीडर करो, ये गलती नहीं करनी है। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये बहुत खतरनाक है भाई, ये बहुत खतरनाक है। ये अपने को करना है, ये सही तरीका है, गलत तरीका है, देखना क्या क्या इशू क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, इस पर हम बाद में आते हैं ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे। तो जैसे मान लो अपना -1 0 2 4 1 कुछ ऐसा था ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा कुछ था, तो अपना आंसर है -1 0 और 1 और 1 था ठीक है। अभी के लिए ये करते हैं, फिर अपन ने इसको सॉर्ट कर दिया, -1 0 1 2 4 ठीक है। अब -1 0 एक और वैल्यू यहाँ रखता हूँ मैं, और ये ना करके मैं इसको सबको 1 कर देता हूँ अभी के लिए ठीक है, सबको अभी के लिए 1 कर देता हूँ, सब सारे 1 है ठीक है। के पॉइंटर यहाँ पड़ा है, जे पॉइंटर यहाँ पड़ा है, आंसर मेरा ये है ठीक है। आई जे के आंसर में आ रहे हैं, एक ही बार मेरे को -1 0 1 डालने का है। अब दूसरी बार मैं क्या करूंगा, जब मैं आ रहा हूंगा, मैंने क्या देख लिया कि यार ये तो ठीक है, ये कंसीडर कर लिया, अब इसको हटा दो, इसको पीछे कर दो, ये सेम है फिर से पीछे कर दो, क्यों? क्योंकि ये सेम वैल्यू देने वाले हैं ना, सेम वैल्यू देने वाले हैं, इसको पीछे कर दो, क्यों? क्योंकि ये दोनों फिक्स है। अब तुम इसको सेम रख के यार नहीं कर सकते ना, सेम ही पेयर आने वाला है। तो जो जो सेम वैल्यूज तुम कंसीडर कर चुके हो के लिए, उसको हटा दो वहां से, बात खत्म। ये भी कंसीडर कर चुके थे, हटा दो। अच्छा अब तो लूप से बाहर हो, ठीक है तो खत्म काम, ठीक है काम खत्म। अच्छा अब मान लो अगर जे पे कुछ अलग आ रहा होता तो क्या करते, जैसे मान लो -1 0 0 0 1 1 1 1 कुछ ऐसा ठीक है, तो अब दोनों को रिमूव करना है। अब -1 0 1 आ चुका है, फिर दोबारा दोबारा वही देगा ठीक है। तो अब मेरे को रिमूव करना है, इसको भी रिमूव करो, इसको भी रिमूव, और इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो मतलब दोनों को रिमूव करना है ठीक है। तो मतलब अगर सम 0 हो जा रहा है, सम अगर 0 हो जा रहा है, और मेरी जो वैल्यू है वो अगर मैंने कंसिडर कर ली, क्योंकि अगर सम 0 है तो मैं अपने आंसर में तो पुश कर ही रहा हूँ आई जे के को। अब जो जो वैल्यूज आगे हैं जो सेम है उनको मेरे को हटाना है, वो मैं कैसे हटा दूँ? सिंपल है यार, व्हाइल लूप लगाऊंगा कि मेरे से अगली जो वैल्यू है वो बराबर है तो जे को आगे बढ़ा दो। सिमिलरली के लिए, मेरे से जो पिछली वैल्यू है वो अगर बराबर है तो के को घटा दो। अच्छा अब यही काम क्या इसके आई के साथ नहीं हो सकता था? तुम जे के लिए तो कर लिया, आई के लिए कौन करेगा? तो -1 मान लो 0 यहाँ पे है और इसकी नेक्स्ट वैल्यू सेम है, गलत बात है, नहीं होनी चाहिए है ना। तो अगर सेम है तो एक काम करो, आई वाला लूप तो ऊपर था ना, तो वहां पे एक काम करो, डाल दो कि अगर ए आर आर आई जो है मेरी वो बराबर है पिछली वैल्यू के, तो यार वो कंसीडर हो चुकी होगी, वो कंसीडर हो चुकी होगी पहले, तो कंटिन्यू कर दो, तो कंटिन्यू कर दो ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये अपना इन टोटल था, और ये आसान सी बात थी, मतलब ज्यादा कुछ ऐसे टफ नहीं था, बट हाँ इश्यू इसके अंदर जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो मैंने अभी कहा कि यार कि अपने से अगर आपने पहले कंसीडर करो फिर उसके बाद एलिमिनेट करो, ऐसा मत करना पहले एलिमिनेट करा फिर कंसीडर करा, वो नहीं करना ठीक है। उसके अंदर इशू क्या होगा, इशू दिखाता हूं मैं आपको सबसे पहले। तो इशू क्या है, मान लो आपने आप आए -1 पे, आई नो थोड़ी लंबी कहानी ज्यादा सुना रहा हूं बट यार ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। -1 0 0 1 ठीक है, मान लो आपका जे यहाँ पड़ा है, के यहाँ पड़ा है और आई यहाँ पड़ा। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार ये अगली वैल्यू सेम है, ये अगली वैल्यू सेम है, कंसीडर नहीं करो इसको, मतलब कंसीडर करो यहाँ पे आ जाओ।
आई आ गया। आप बोलोगे यार इससे नेक्स्ट वैल्यू सेम है, नहीं, अच्छा इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे सही चल गया, कोई दिक्कत वाली बात। जरा इस केस में बता देना मेरे को, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, के यहाँ पे, आपने क्या सोचा है कि पहले मैं एलिमिनेट करूंगा अपने सारे जो इक्वल है, एलिमिनेट करूंगा सारे इक्वल है, आई बराबर है नेक्स्ट वाली के, क्या आप एलिमिनेट कर दोगे इसको? नहीं, 0 0 0 एक पॉसिबल आंसर है। सिमिलरली 1 1 -2 नेक्स्ट वैल्यू बराबर है, क्या आप इसको एलिमिनेट कर दोगे? नहीं यार, नहीं एलिमिनेट नहीं कर सकते आप इसको, ये जे का पार्ट है, आपने इसको कैसे एलिमिनेट कर दिया जब ये जे का पार्ट है? पहले कंसीडर करो फिर एलिमिनेट करना। आई होप ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आपको समझ में आया होगा, काफी बातें मैं बोल चुका हूँ। अब अपन डायरेक्टली कोड पे आते हैं, ठीक है, और चीजों को हटाते हैं जो जो गलत थी, ठीक है जी। तो पहले कंसीडर करना है फिर एलिमिनेट करना है। तो अगर कंसीडर कर चुके हैं, जैसे मान लो आई कंसीडर हो चुका है, तो ए आर आर आई अगर आई माइनस वन पे कंसीडर हो चुका है तो कंटिन्यू कर जाओ, कंटिन्यू कर जाओ। और हाँ, आई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पहले ही मत चेक करने लग जाना इसको, है ना। और सिमिलरली यहाँ पर अब अपना सेट हटा दो, सेट की जरूरत नहीं है, सेट को कमेंट करो, आंसर में पुशबैक कर देंगे सीधा अब की बार, आंसर में पुशबैक कर दो, आंसर में पुश बैक कर देंगे एरर आई जे के को, ठीक है। और इसको भी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इस कमांड की भी। अब यहाँ पे अपने को जे और के को हटाने का, तो अगर कंसीडर हो चुका है तो एरर आर जे बेसिकली अगर बराबर है जे प्लस वन के, मतलब नेक्स्ट वैल्यूज अगर बराबर है, क्यों? क्योंकि मैं जे को कंसीडर कर चुका हूँ, ठीक है, तो जे को इंक्रीमेंट। और एरर आर के अगर के माइनस वन के बराबर है, क्यों? के को मैं कंसीडर कर चुका हूँ, के की टेंडेंसी क्या है? पीछे जाने की। जे की टेंडेंसी क्या थी? आगे जाने की, ठीक है। तो मैं जे को कंसीडर कर चुका हूँ, जे के आगे वालों को नहीं करना, इसलिए मैं जे प्लस वन चेक कर रहा हूँ। के को कंसीडर कर चुका हूँ, के पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है, के माइनस वन को कंसीडर नहीं करना, के माइनस माइनस, ठीक है जी। और हाँ, जे लेस देन के भी एक कंडीशन लगा देना भाई, कि ये के लेस देन के रहे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। वैसे तो यहीं पे बाहर हो जाता है, वो कोई सीन नहीं है उसका तो, पर ठीक है। हाँ, और जे प्लस प्लस के माइनस माइनस तो होगा ही एट द एंड, क्योंकि ये केस कंसीडर हो चुका है, ठीक है भाई। जल्दी टेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें होगी, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है, अगर समझ में आया तो। काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी इसके अंदर, क्या इशू कर दिया मैंने, ए आर छोटा आर कम लग रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी लाने वाला हूँ, अभी इंटरव्यू पूरा करने का टारगेट है मेरा, तो आई होप अगर सब्सक्राइब होता है तो मतलब मोटिवेशन डेफिनेटली ज़्यादा मिलती है, तो वो जरूर करके जाना। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं बहुत तगड़े तगड़े हर कंपनीज के, अब ठीक है, उनको भी जरूर देख के जाना, एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नेक्स्ट में मिलते हैं, आई होप दिस इज क्लियर।